राजधानी शिमला का प्रवेश द्वार यानी ओल्ड बस स्टैंड की टनल की दीवारें जहां धूल फांक रही थी, वहीं अब इन दीवारों से लोगों की नज़र नहीं हट रही है। ओल्ड बस स्टैंड की टनल की दीवारों का रंग रोगन करने के बाद स्वच्छता, प्रदूषण कम करने और फिटनेस का संदेश देते चित्र दीवारों पर उकेरे गए हैं, जहाँ से लोगों की नज़रें नहीं हट रही है। ओल्ड बस स्टैंड की टनल को संवारने का जिम्मा हीलिंग हिमालय संस्था ने उठाया है। संस्था ने अपने फंड से 7 लाख खर्च कर इस टनल में रंग रोगन किया और उसके बाद स्वच्छता का संदेश देने के लिए चित्र दीवारों पर बनाए गए हैं। इस चित्रों के माध्यम से घूमने आए पर्यटकों को कूड़ा न फेंकने और स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया गया है। प्रदूषण के दुष्प्रभाव को भी दर्शाया गया है। इस कार्य में करने में संस्था को करीब 2 महीने का समय लगा है। दीवारों पर चित्र बनाने का काम विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा किया गया है। हीलिंग हिमालय संस्था के संस्थापक प्रदीप सांगवान ने बताया कि वे काफ़ी समय से शिमला आ रहे हैं और पिछले 4 सालों में यहां पर स्वच्छता को लेकर काम भी कर रहे हैं। ओल्ड बस स्टैंड की टनल में काफ़ी गंदगी बिखरी रहती थी और दीवारों पर धूल जमी हुई थी, जिसको देखते हुए परिवहन निगम से बात की गई और इस दीवार को रंग रोगन करने के बाद दीवारों पर चित्र बनाकर लोगों को स्वच्छता के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग और फिटनेस के संदेश देने वाले चित्र बनाए गए हैं, ताकि यहाँ के लोगों के साथ साथ बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को स्वच्छता संदेश दिए जा सके। इस कार्य को करने में करीब 2 महीने लगे हैं। प्रदीप ने कहा कि वे 2016 से राजधानी शिमला में स्वच्छता को लेकर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ पर्यटन स्थलों को भी साफ सुथरा रखने का कार्य कर रहे हैं। हम इस टनल को देख रहे हैं कि इसमें बहुत अंधेरा रहता, गार्बेज रहता, स्मेल आती थी, तो उसको देखते हुए हमने डिसाइड किया कि इसको रेनोवेट किया जाए, इसको पेंट किया जाए और कुछ ऐसे मैसेज डाले जाए जो कि रिफ्लेक्ट करें हमारे एटीट्यूड को। मोस्टली देखेंगे टनल में घुसते ही चारों तरफ गंदगी फैली होती थी और पूरे शिमला में भी लिटरिंग का काफ़ी इशू है, इनफैक्ट पूरे हिमाचल में ही है। सो इन पेंटिंग्स के थ्रू हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी कभी घूमें, ट्रैवल करें, तो ट्रैवल फॉर अ पर्पज, ट्रैवलिंग फॉर अ पर्पज करें। जो आने वाली जनरेशन है, उनका जो भविष्य है, उनको कचरे में ना डालें और हमारा जो लिटरिंग की हैबिट्स है उसको चेंज करें। सो ये ओवरऑल एक मैसेज है। जो बहुत बड़ी समस्या क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस है, उसको एक बड़े सिंपल तरीके से रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, एक छोटा सा रेनोवेशन करके, कुछ पेंटिंग्स करके। और सब लोगों ने इसमें काफ़ी सपोर्ट किया, मेहनत की, सभी आर्टिस्ट लोगों ने काफ़ी अच्छा अपना इंसाइट दिया और एक ये मैसेज जो अब जाएगा लोगों को, एटलीस्ट इस टनल में जो भी टूरिस्ट आता है देखेगा कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में जो एजुकेशन अवेयरनेस पेंटिंग्स के थ्रू की है हमने, तो एक मैसेज जाएगा उनके दिमाग में और लिटरिंग को कंट्रोल करेगा। लगभग इसको 1.5 से 2 महीने लगे हैं और इसके लिए हमारे कुछ कंपनी हमारे साथ जुड़ी है, जिसमें कि लेवाइस एक कंपनी है, उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को फंड किया है और इसमें कम से कम 10-12 वॉलंटियर्स हमारे साथ में जुड़े हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं जो जुड़े हैं, जिन्होंने 1 महीना लगा के इसको पूरा पेंट किया। इसको देख के काफ़ी लोगों ने हमें अप्रोच किया है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी अप्रोच किया है, कुछ काउंसलर्स ने अप्रोच किया है, कुछ होटल्स ने भी अप्रोच किया है कि ऐसे मैसेज कुछ हम भी अपने एरिया में रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। पूरी जो जनता है, जो लोकल कम्युनिटी है या जो टूरिस्ट हैं बाहर से जो आते हैं, उनको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं इन पेंटिंग्स के थ्रू। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट इसका ऑलरेडी हो चुका है कि काफ़ी लोग हमें बुला रहे हैं इस पेंटिंग्स को रिपीट करें, बनाएं हमारे यहाँ भी और मैसेज बाकी लोगों तक पहुँचे। तो 2016 में एक कम्युनिटी हमारी आई थी, उसका नाम है हीलिंग हिमालय, जिसमें हम भी धार्मिक स्थल है, अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ पे टूरिस्ट फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हम साफ सफाई करते हैं, लोगों को एक मैसेज देते हैं कि ट्रैवलिंग ट्रैकिंग फॉर अ पर्पज करें, सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करें। और इसमें हमने टनों के हिसाब से कचरा उठाया, अलग अलग क्षेत्रों में हम लोकल कम्युनिटीज़ के लिए वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स यानी मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ भी बना रहे हैं, जहाँ पे कि कूड़ा कचरा एक जगह इकट्ठा किया जाए, सेग्रीगेट किया जाए, कंप्रेस किया जाए और उसको रिसाइकिल किया जाए और उसको एक वैल्यू चेन में ऐड किया जाए। शिमला में हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ भी हम साफ सफाई करते हैं।